गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैंने रात को कपड़े धो दिए थे यहाँ पर, क्योंकि धूप दोबारा से निकलने लग गई है, बारिश अभी हो नहीं रही, तो मैंने सोचा कपड़े धो लिए जाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं दो ब्लैंकेट जो धोने हैं। मौसम आपने देख ही लिया कितना अच्छा है, धूप निकलने वाली है। मैंने सोचा कि अब ब्लैंकेट की बारी है धोने की, धो देते हैं। पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है उनमें से, जैसे सलाब की स्मेल होती है ना, वैसी वाली स्मेल आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ येलो और ब्राउन वाला जो ब्लैंकेट मैं पंजाब लेकर गई थी धोने के लिए, वो यहाँ पर धो देती हूँ। तो तकरीबन अगर धूप निकलेगी रोज़ तो 3 दिन में सूख जाएंगे। तो ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ऊपर हैं बंदर, इधर कबूतरों को दाना डाल दिया था, दाना खा रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ अपनी एक्सरसाइज करने, वॉकिंग। वॉक करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पहले मैं दिखा देती हूँ कंबल कौन सा धो रही हूँ मैं। अब कबूतरों को उड़ा के ये खुद दाना खाने लग गया, बंदर, बंदर कहीं का। तो जी, दिव्यांका के लिए पोहा बना दिया, जो कि आपने देख लिया। और यहाँ पर ये वाला ब्लैंकेट धोकर डाल दिया। जैसा कि स्पिनर नहीं चल रहा है तो ये ऐसे ही खुद ही निचड़ेगा। इसका सारा पानी ऐसे निकल जाए ना, उसके बाद धूप लगे फिर ये सूखेगा। अभी आज पूरा दिन और पूरी रात ये सिर्फ पानी निचड़ने में ही ले लेगा। वैसे साफ़ तो हो गया है, मैंने हल्का सर्फ ही डाला था, नहीं तो बाद में निकलता नहीं है ब्लैंकेट से सर्फ जल्दी। तो मैंने हल्का सा डाला था और पानी में निकाल दिया इसको। और मेरी बाजुओं की पस हो गई है, बाजुओं में बहुत पेन हो रही है। अब इसको खींचिए। अब दूसरा ब्लैंकेट धोने को डाला हुआ है, पिंक वाला, और बाकी एक रह गया येलो वाला। वो पहले ये दोनों सूख जाएंगे, उसके बाद धोऊंगी उसको 2 दिन बाद, क्योंकि ये मंथ है। पंजाब से गेस्ट आएंगे, अभी 2 घरों से कॉल आया है मुझे कि वो आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि इनको धो दूँ। अभी तक उनका आंसर नहीं आया था, इसलिए मैंने धो दिया इनको। मैंने सोचा उनके आने तक सूख जाएंगे। अब 3 दिन कम से कम लगेंगे इनको, बस स्मेल ना पड़े। अगर बारिश हो गई या मौसम ख़राब हो गया ना, फिर इनमें स्मेल पड़ जाती है। परेशानी एक थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है। चलिए, मैं दिव्यांका को स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने बोला था दिव्यांका को छोड़ कर आऊँगी, फिर आपसे बात करती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं लगा, इतना काम है आज। ये देखो, ब्लैंकेट वगैरह धो दिए, और एक ब्लैंकेट वो जो जिसका पानी निकल चुका है ऑलरेडी, वो देखो ब्राउन वाला, यहाँ पर डाल दिया मैंने ताकि इसको धूप लग जाए और ये सूख जाए। इसको भी पलटा देती हूँ। और अंदर की सफाई कर रही हूँ मैं, घर की सारी। मैंने सोचा सफाई वफाई करने के बाद ही आपसे बात करती हूँ। तो ये बहुत गीला है अभी, पिंक वाला ब्लैंकेट। इसका पानी अभी निचुड़ जाएगा, उसके बाद ही इसको धूप लगने का फ़ायदा है, नहीं तो स्मेल आएगी इसमें से। और ये सारे कपड़े यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, और आज धूप है तेज़, तो कपड़े तो सूख जाएंगे लेकिन ब्लैंकेट रह जाएंगे। ब्लैंकेट कल फाइनल धूप इनको लगानी पड़ेगी। ऐसी ही धूप अगर कल भी रही ना, तो मेरे दोनों ब्लैंकेट सूख जाएंगे। और फिर मैं परसों येलो वाला ब्लैंकेट भी धो दूँगी, अगर गेस्ट अभी नहीं आए तो। और हाँ, आप बोलेंगे कि कई बार छुट्टी वाले दिन पतिदेव नहीं दिखते हैं, या मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। नहीं, व्लॉग मैं बनाती हूँ जब मैं और दिव्यांका होते हैं, छुट्टी वाला दिन ही होता है। लेकिन क्या होता है कि पतिदेव की संडे और सैटरडे भी कई बार ड्यूटी लग जाती है, उनकी कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इसी वजह से उनको जाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल सर के साथ ही रहना पड़ता है उनको। ऐसी ही जॉब है उनकी कि उनको छुट्टी वाला दिन भी लगाना पड़ता है, तो इसलिए वो हमें टाइम नहीं दे पाते हैं। और अब या तो जॉब कर ले इंसान, या फिर घर का सोच ले। चलिए, मैं काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। अंदर की सफाई हो गई है, ये देखो सारी सेटिंग हो गई है, और मशीन यहाँ पे लगा दी है मैंने। यहाँ से लॉन्ग वाली टेबल उठा के दूसरे रूम में रख दिए, और इस रूम का कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख दी मैंने, और बाहर कपड़े सूख रहे हैं। और मेरा जो ब्लैंकेट ब्राउन वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी उसके किनारे गीले हैं बहुत, उसके किनारे सूख जाएंगे, उसके बाद ही हम उसे यूज़ कर पाएंगे। मतलब कल का दिन तो लगेगा ही लगेगा, पूरा कल का दिन धूप लगेगी तो बिल्कुल सूख जाएगा। और ये तो बहुत गीला है अभी, ये देखो पानी, ये हैवीनेस पानी की है सारी।
इसको तो कम से कम 3 दिन लगेंगे अभी सूखने में, और बाकी कपड़े हमारे सूख रहे हैं। जो भी सूख गए हैं वो मैं उठा के अंदर रख लेती हूँ, और अब मैं दिव्यांका को लेने स्कूल जाऊँगी, मैं रेडी हो जाती हूँ। तो लीजिए मैं रेडी हो गई हूँ, अब दिव्यांका को लेने जाना है। मैंने सोचा बाहर 2-3 चक्कर लगा लूँ, वॉक कर लूँ थोड़ी सी, और 5 मिनट बाद मैं चल रही हूँ यहाँ से और दिव्यांका को लाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। क्योंकि अब मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी, तो फ़ोन घर पर ही रख के जा रही हूँ, क्योंकि बीच में हस्बैंड आएंगे, उनको उनके जीमेल से कुछ चाहिए, उनका ईमेल बॉक्स इसी में है, मैंने इसमें सिर्फ अपना सिम डाला हुआ है, और उनकी काफ़ी चीज़ें हैं तो उन्होंने लेकर जानी है। पेन ड्राइव में डालकर शायद ले जाएंगे या मेमोरी कार्ड ले जाएंगे, मुझे नहीं पता, कुछ भी चीज़ें स्टोरेज है। जब भी बोल रहे हैं मेरा मौका मिलेगा तो मैं 5 मिनट के लिए आऊँगा और सारी चीज़ें उसमें से निकाल के ले जाऊँगा या स्टोर करके ले जाऊँगा, या फिर अगर फ़ोन ले गए तो फिर फ़ोन मेरे को शाम को मिलेगा। कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं आकर आपसे मिलूँ, वो अपनी चीज़ें स्टोर करके ही ले जाएँ, बाकी अगर वो फ़ोन ले गए फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ। Oh।